सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये जी अब फिश लेकर आए थे, इसे नमक और अजवाइन लगी हुई थी, वो अब हम इसे धो रहे हैं। ये अब हमने धो लिया इसे जी, अब इसे हम मैरिनेट करेंगे मछली मसाले के साथ। ये हम जी फिश मसाला लेकर आए हैं, ये आप किसी भी अच्छे ब्रांड का डाल सकते हैं। आज इस मसाले के अंदर हम कुकिंग ऑयल, जो घर में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो इस मसाले के अंदर डालेंगे। सिर्फ फिश मसाला है और कुकिंग ऑयल है, ये डालेंगे और एक पेस्ट सी बन जाएगी। जब ये पेस्ट सी बन जाएगी, ये फिर सारी फिश के ऊपर हम लगाएंगे। आपने किसी भी अच्छी कंपनी का फिश मसाला ले लेना। ये मसाले के अंदर ऑयल खाने वाला मिक्स कर रहे हैं फिश मसाले के अंदर। इससे बड़ा अच्छा जो है जी, इसके अंदर फौरी मिक्स हो जाता है मसाला। एक तो मछली के अंदर उसका टेस्ट फौरी आना शुरू हो जाता, दूसरा ये है कि ऊपर से मसाला उतरता नहीं है। तो आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना जी ऑयल के अंदर, और फिर इसके ऊपर मछली के ऊपर लगाते जाना। ये जी मसाला लग के बिल्कुल अब फिश तैयार है। मसाला लग गया जी, अब रेडी है बिल्कुल। हमने शान और नेशनल को मिक्स करके एक नई रेसिपी बनाई। नई रेसिपी है, अब इसे हो गया जी 10 मिनट पकते हुए। आपने आहिस्ता आहिस्ता साथ में इसकी साइडें भी चेंज करते जाना ताकि ये जल ना जाए। अब इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे, और जब ये पक जाएगा हल्का हल्का, 10 मिनट इसे हो चुके होंगे, फिर आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाना है। तो ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं कम या ज्यादा। ये ऊपर से फिश की स्किन उतार रहे हैं जी। अब इसकी स्किन उतारने के बाद हम दोनों फिश को अलग-अलग रखेंगे ग्रिल के अंदर। आप एक जगह पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग-अलग कर लिया। अलग करने के बाद इसके ऊपर लेमन छिड़केंगे जी। लेमन भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना जरूरत नहीं है। हमें पसंद है तो हम लेमन ऊपर डाल लेते हैं, लेकिन इसे ज्यादा कुक नहीं करना ये, क्योंकि मुकम्मल कुक हो चुकी हुई है। बस इसकी जिस साइड से हमने स्किन उतारी है, उसका कलर जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, ये तैयार हो गया बिल्कुल जी। फाइनल टच है जी ये, बिल्कुल फाइनल टच। अब ये भी तैयार हो गई है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इंजॉय करते हैं। चलो जी ले आ चलो। ये देखें जी फिश हमारी रेडी है, इसके ऊपर अब लेमन है वो डाला जा रहा है जी। ये
ये दही और पुदीने का रायता है साथ में, और ये फिश।